सीधा ले चलते हैं बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। पर्ची उनको सौंपे। आदरणीय पीयूष गोयल जी, बुके देके आपका स्वागत करें। इस अवसर पर मैं केंद्रीय मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल जी से आग्रह करूंगा कि जतिन प्रसाद जी का शब्दों के माध्यम से स्वागत करें। आदरणीय पीयूष गोयल जी। धन्यवाद अनिल जी। मान्य जितिन प्रसाद जी ने बहुत ही छोटी आयु से उत्तर प्रदेश की सेवा में अपना पूरा जीवन झोंक दिया। मुझे अभी भी याद है, शायद इनकी उम्र शायद सिर्फ 27 वर्ष की थी जब आकाशात्मक एकदम सडनली उनके पूज्य पिताजी का देहांत हुआ। और ये मुंबई में तब काम करा करते थे, बहुत अच्छी पद पर थे, दून स्कूल से पढ़ाई की, श्रीराम कॉलेज से, दिल्ली के विख्यात कॉलेज से पढ़ने के बाद, एमबीए करने के बाद अपने काम में लगे थे। जब बहुत छोटी उम्र में उनको परिवार को ये धक्का पड़ा, लेकिन छोटी आयु में भी उन्होंने जिस प्रकार से पूरे उत्तर प्रदेश में दौरा किया, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाके अपनी प्रतिभा से, अपने काम से लोगों का दिल जीता। दो बार पार्लियामेंट में अच्छे मतों से जीते, पहली बार शाहजहांपुर से 2004 में, और जिस प्रकार से उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत प्रमुख भूमिका वर्षों वर्षों तक निभाई, वो हम सब देखा करते थे। इनके पिताजी का भी बहुत बड़ा योगदान था, वर्षों वर्षों तक कांग्रेस में, और कांग्रेस पार्टी हो, कांग्रेस की सरकारें हो, उसमें बिना कोई पद के उन्होंने जिस प्रकार से सेवा करी थी देश की, वो हम सब भलीभांति याद करते हैं। केंद्र सरकार में भी मेरे मित्र जितेन जी अलग अलग विभागों को देख चुके हैं, मिनिस्टर के नाते काफी बड़ा अनुभव है उनका, चाहे वो इस्पात मंत्रालय हो, चाहे पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हो, चाहे वो सड़क परिवहन हो या एजुकेशन मिनिस्ट्री, चारों में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी थी। मुझे तो एक पर्सनल अनुभव भी है, मैं याद करता हूं कि जब ये पहले कांग्रेस की सरकार थी, तब इन्होंने बहुत प्रयत्न करके उत्तर प्रदेश में अपने क्षेत्र में एक नैरो, एक मीटर गेज से ब्रॉड गेज लाइन कन्वर्जन स्वीकृत तो करा पाई, लेकिन उसको गति नहीं दिलवा पाए थे कि वो जल्द से जल्द खत्म हो, जल्द से जल्द वो पूरा हो काम। मोदी जी की सरकार 2014 में आए, तब ये सांसद नहीं रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता की सुविधाएं सुधरे, उत्तर प्रदेश में अपने क्षेत्र में काम चालू रहे, उसके लिए लगातार पीछे पड़े रहे, और रेल मंत्रालय के पीछे ऐसा पड़े रहे कि उन्होंने उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करवाया मोदी सरकार आने के बाद। तो एक प्रकार से ऐसे युवा नेता, जमीन से जुड़े हुए नेता, लोकप्रिय नेता, और
जिनकी प्राथमिकता समाज सेवा रही हो, जिनको देश के प्रति प्रेम हो, ऐसे एक बहुत ही कद्दावर नेता जैसे अनिल जी ने कहा, उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिनका बहुत बड़ी भूमिका आगे मैं देख पा रहा हूं, ऐसे श्री जितिन प्रसाद जी हम सबको आज हमारी पार्टी के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के साथ, श्री जेपी नड्डा जी की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी में जुड़ रहे हैं। मैं इनका तहे दिल से स्वागत करता हूं और मुझे विश्वास है कि इनके आगमन से पार्टी को भी बल मिलेगा और जितेंद्र प्रसाद जी को देश सेवा समाज सेवा के लिए एक अच्छा मौका मिलेगा। जितेंद्र जी आप भी कुछ कहना चाहें? बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पीयूष गोयल जी, आपने जो मेरे बारे में जो वक्तव्य रखा। अनिल बलूनी जी आपका भी धन्यवाद। सर्वप्रथम तो मैं आज के इस दिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इस देश के कर्मयोगी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और समस्त भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व का मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं कि उन्होंने आज इस भारतीय जनता पार्टी परिवार में मुझे सदस्यता और सम्मान दिया है। और ये मेरे जीवन, राजनीतिक जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। जैसे कि आप जानते हैं, मेरा कांग्रेस पार्टी से 3 पीढ़ियों का साथ रहा है, तो ये महत्वपूर्ण निर्णय जो मैंने लिया है, बहुत विचार मंथन और सोच के बाद मैं इस फैसले पे पहुंचा हूं। और सवाल ये नहीं है आज कि मैं किस दल को छोड़ के आ रहा हूं, मगर सवाल ये है कि किस दल में जा रहा हूं और क्यों जा रहा हूं। ये मैंने पिछले कुछ वर्षों से, 8-10 सालों से महसूस किया है अपने अनुभव में, राजनीतिक जीवन में, लोगों से मिलके भ्रमण करके देश भर में, कि अगर आज कोई इस देश में असली माने में कोई राजनीतिक दल है जो संस्थागत इंस्टीट्यूशनल दल है, वो भारतीय जनता पार्टी है। बाकी दल तो व्यक्ति विशेष और क्षेत्रीय क्षेत्र के हो गए, मगर राष्ट्रीय दल के नाम पे अगर आज भारत में कोई दल है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और जिस चुनौतियां और परिस्थितियों से हमारा देश और विदेश में भी, हमारी सीमाओं पे भी जो चुनौतियों का सामना कर रहा है, उसके लिए अगर आज इस देश हित में कोई दल और कोई नेता सबसे उपयुक्त और मजबूती के साथ खड़ा है देश हित में, तो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ये जो दशक है, ये भी मैंने एक वक्तव्य सुना था प्रधानमंत्री जी का, निर्णायक होगा भारत के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए। भारत विश्व पटल पे क्या भूमिका निभाएगा वो यहां सरकार तय करेगी और नेतृत्व तय करेगा। और प्रधानमंत्री जी रात दिन भारत की सेवा में निस्वार्थ लगे हुए हैं, हम देखते आए हैं। हमने चुनौतियों का सामना भी किया, जनता ने हमें दरकिनार भी किया है, तो हम जानते हैं कि उनके प्रति देश की भावना क्या है प्रधानमंत्री जी के प्रति। और वो जो नए भारत का निर्माण कर रहे हैं, उसमें मुझे भी एक सदस्यता जो आज मैंने ग्रहण की है भारतीय जनता पार्टी की, एक योगदान छोटा सा करने का भारत के प्रति, भारत की जनता के, आने वाली पीढ़ियों के प्रति करने का अवसर मिलेगा। ये मैंने विचार करके इस निर्णय पे पहुंचा। कल्याणकारी योजनाएं तो प्रधानमंत्री जी ने की हैं, जो गांव-गांव हम देखते हैं, चाहे विद्युतीकरण हो, शौचालय हो, गैस योजना हो, तमाम उन गरीबों का ध्यान रखा है और उन लोगों का ध्यान रखा है जो असली में जरूरतमंद है। और दूसरा कारण यह भी है
कि जिस दल में मैं था मुझे ये महसूस होने लगा कि हम लोग राजनीति में हैं और राजनीति एक माध्यम है, दल भी माध्यम है। अगर आप अपने लोगों के हितों की रक्षा नहीं कर सकते, उनके लिए काम नहीं आ सकते, तो आपका राजनीति और दल से में रहने में क्या औचित्य है। तो यही मेरे मन में, और चाहे वो देश हित हो, चाहे वो प्रदेश हो, चाहे वो जिला हो, अगर आप अपने लोगों के उपयोग नहीं आ सकते, उनके सहायता के लिए आप मौजूद नहीं हो सकते और आपके इस लायक नहीं हैं कि आप अपनी जनता के हितों की रक्षा कर पाएं, तो वो मुझे महसूस होने लगा कि वो कांग्रेस पार्टी में नहीं कर पा रहा। भारतीय जनता पार्टी वो माध्यम बनेगा, वो सशक्त संगठन, देशव्यापी इतना संगठन, इतना मजबूत नेतृत्व जो आज देश को जरूरत है। मैं इस वक्त ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, मेरा काम बोलेगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी मेरे उन कांग्रेसजनों का जिनका मुझे आशीर्वाद मिला और साथियों का इतने वर्ष तक, मगर अब मैं समर्पित एक गोयल जी, आप सब जानते हैं, आपका धन्यवाद दूंगा। एक कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी के मैं कार्य करूंगा और वही उद्देश्य सबका विकास और सबका साथ जो उद्देश्य है एक भारत और श्रेष्ठ भारत का, वो लेके एक कार्यकर्ता के रूप में मैं काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग। धन्यवाद। पीयूष गोयल की मौजूदगी में जितिन प्रसाद ने बीजेपी में शामिल हुआ और पीयूष गोयल ने जितिन प्रसाद और उनको धन्यवाद किया और इसका, और आपको बता दें कि उन्होंने बुके देकर उनका स्वागत भी किया। साथ में आपको बता दें कि जितिन प्रसाद ने बीजेपी को इंस्टीट्यूशनल पार्टी भी घोषित की है। साथ में आपको बता दें कि उन्होंने सबका धन्यवाद किया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी उन्होंने धन्यवाद किया है। आपको बता दें कि पीयूष गोयल ने जितिन प्रसाद जिस तरह से शामिल हुए हैं उनका भी जोरदार स्वागत किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितिन प्रसाद ने ये बात बोली है। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस को लगा यूपी में बड़ा झटका, बीजेपी में शामिल हुए हैं जितिन प्रसाद। पीयूष गोयल ने ज्वाइन कराया बीजेपी, कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए हैं जितिन। बड़े ब्राह्मण चेहरे के लिए जाने जाते हैं जितिन। कई दिनों से लगाई जा रही थी अटकलें, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लगातार इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें बीजेपी में जितिन प्रसाद शामिल हो चुके हैं, पीयूष गोयल ने ज्वाइन कराया बीजेपी, वहीं कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए हैं जितिन। तो लगातार इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बड़े ब्राह्मण चेहरे के लिए जितिन प्रसाद जाने जाते हैं। कई दिनों से ये अटकलें भी लगाई जा रही थी कि वो बीजेपी में ज्वाइन हो सकते हैं। तो लगातार इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कांग्रेस को यूपी में एक बड़ा झटका लगा है। जी आपको बता दें कि जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस का दामन छोड़कर जितिन प्रसाद बीजेपी का हाथ पकड़ लिए हैं। बड़े ब्राह्मण चेहरे के लिए जितिन प्रसाद जाने जाते हैं। कई दिनों से अटकलें भी लगाई जा रही थी, हालांकि जितिन प्रसाद ने अब बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। तो लगातार इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस को यूपी में एक बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हुए हैं, पीयूष गोयल ने बीजेपी ज्वाइन कराई, कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए हैं जितिन प्रसाद। बड़े ब्राह्मण चेहरे के लिए जितिन प्रसाद जाने जाते हैं। कई दिनों से ये अटकलें भी लगाई जा रही थी। लगातार हम आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, कांग्रेस को यूपी में एक बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें बीजेपी में जितिन प्रसाद शामिल हो गए हैं, पीयूष गोयल ने उनको बीजेपी ज्वाइन कराया है। तो लगातार इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कांग्रेस छोड़कर जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। एक बड़े ब्राह्मण चेहरे के लिए जितिन प्रसाद जाने जाते हैं। कई दिनों से ही अटकलें लगाई जा रही थी, हालांकि अब जितिन प्रसाद ने कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो इस तरह देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी को इससे बड़ा झटका लगा है
बीजेपी में जितिन प्रसाद शामिल हो गए। आपको बता दें कि पीयूष गोयल ने उनको बीजेपी ज्वाइन कराया है। तो लगातार इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कांग्रेस छोड़ जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। एक बड़े चेहरे के लिए जितिन प्रसाद जाने जाते हैं। वही कई दिनों से अटकलें भी लगाई जा रही थी। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पीयूष गोयल ने जितिन प्रसाद को बीजेपी ज्वाइन कराया है। कांग्रेस छोड़कर जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हुए हैं। वहीं बड़े ब्राह्मण चेहरे के लिए जितिन प्रसाद जाने जाते हैं। कई दिनों से ये अटकलें भी लगाई जा रही थी, लेकिन अब साफ हो गया है कि जितिन प्रसाद बीजेपी में ज्वाइन हो चुके हैं। आपको बता दें कि पीयूष गोयल ने उन्हें बीजेपी ज्वाइन कराया है। आदरणीय पीयूष गोयल जी, तो पीयूष गोयल ने जितिन प्रसाद को बीजेपी में ज्वाइन कराया। आपको बता दें कि जितिन प्रसाद ने भी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कई नेताओं का स्वागत कहा, धन्यवाद भी किया है। और बड़ी बात यह है कि जितिन प्रसाद ने बीजेपी को एक इंस्टीट्यूशनल पार्टी बताई है। उनका यह कहना है कि बीजेपी लगातार कुछ ना कुछ इंस्टीट्यूशनल के तौर पर कुछ ना कुछ सिखाती आई है, तो यह भी एक बड़ी बात है। आपको बता दें कि पीयूष गोयल ने जितिन प्रसाद को बीजेपी में शामिल करवाया है। कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी इससे बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि राहुल गांधी के बेहद करीबी बताए जा रहे थे जितिन प्रसाद। फिलहाल इससे कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि बुके देकर पीयूष गोयल ने जितिन प्रसाद का स्वागत किया है। तो बता दें आपको कि पीयूष गोयल ने जितिन प्रसाद को बीजेपी ज्वाइन कराया, इससे कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। और बड़ी बात यह है कि जितिन प्रसाद ने बीजेपी पार्टी को एक इंस्टीट्यूशनल पार्टी बताया। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि यह जरूरी नहीं है कि वो कौन सा दल छोड़कर आए हैं, बड़ी बात यह है कि वो शामिल किसमें हो रहे हैं। तो जितिन प्रसाद ने यह साफ तौर पर कहा है कि ये जरूरी बात नहीं है कि वो किस दल को छोड़कर किस पार्टी में शामिल होने आए हैं। लेकिन लगातार आपको बता दें कि जितिन प्रसाद ने यह बताया है कि बीजेपी पार्टी एक इंस्टीट्यूशनल पार्टी है, वो लगातार कुछ ना कुछ सिखाती आई है। तो इन सब चीजों से एक बड़ा झटका कांग्रेस को पहुंचा है। आपको बता दें कि इससे कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है, और ऐसी अटकलें भी काफी समय से लगाई जा रही थी। तो इसी पर हमारे साथ ब्यूरो चीफ जुड़ चुके हैं, मनीष मिश्रा लाइव जुड़ चुके हैं। तो उनसे जानना चाहेंगे, क्या कुछ कहना है आपका जिस तरीके से जितिन प्रसाद ने बीजेपी ज्वाइन की है। कांग्रेस का जो ड्रामा चल रहा है, जो अहम भूमिका रही थी, जो बीजेपी ने आज ये ज्वाइनिंग कराई है, इसका सीधा असर 2022 का जो चुनाव है उत्तर प्रदेश में उसमें पड़ेगा। 11% वोटर वोट बैंक में जाते हैं ग्रामों का, और बीजेपी का अगर बात करें तो वैसा कोई ग्राम चेहरा था नहीं। जिसी प्रकार राजापुर के सबसे आते हैं कश्मीर जैसा से ये जहाँ पे देखा गया है कि जो कांग्रेस के पास जो ब्राह्मण की लॉबी को अगर कोई अगर इकट्ठा कर सकता था या वर्कर्स का बताओ ब्राह्मण नेता वो जितिन प्रसाद ही थे। जितिन प्रसाद ने आज बीजेपी के दाम था, निश्चित तौर पर जो ब्राह्मण से बात हुई थी, जो वोट बैंक की बात है ब्राह्मण वो बैंक फैमिली, उसमें कहीं ना कहीं ये कम यूज किया है बीजेपी ने। अभी ने जैसे देखा कि किसी ने बहुत कम शब्दों में अपनी बात रखी कि एक विचारधारा वाली पार्टी है बीजेपी और कांग्रेस में और अपने लोगों का आपके सम्मान के जो रक्षा हुई वो नहीं की, अपने लोगों की बात रखी है। कहीं ना कहीं प्रकार देखने देखने को बंदी नहीं थी शुरू में। हाल में जैसे बात करें अगर बीजेपी पार्टी तो कांग्रेस की जो कोर कमेटी है जो राहुल गांधी की टीम मानी जाती है उससे बहुत अहम लक्ष्य में राहुल गांधी के बहुत अहम इनकी नजदीकियां थी। उसके बाद जब हमने देखा था कि नितिन प्रसाद ज्योतिराज सिंधिया के जनता होंगे, उसके बाद से सबसे जनजनक लगाई थी कि सचिन पायलट और नितिन प्रसाद भी शायद बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। चुनावी समय है, दल बदल की राजनीति बहुत तेज होती है, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार के अगर राजनीति बात करें तो बहुत होती है।
बीजेपी के लिए बहुत बड़ा एक समझदार आदमी है विजय प्रसाद जी ने, लेकिन ये वो 2022 के चुनाव में बीजेपी को कैसे बनाती है। हालांकि कांग्रेस अब एक नंबर की कांग्रेस इसकी क्या प्रतिक्रिया देती है, कांग्रेस में बहुत बड़ा झटका है और ऐसे में सक्रिया संगठन में मजबूत करी बात करते हैं, संगठन की बात करते हैं, जिनका आधार राजधानी जो यहाँ पे लगातार मजबूत रहती है, जमीन सब लगे थी उनकी टीम में भी बहुत अहम भूमिका निभाते थे। सर अब देखना होगा कि नीतीश सरकार जो है कौन एक्शन लेता है कांग्रेस के लिए जो विभिन्न प्रकार की भूमिका को निभा सकता है। वोटर बैंक की बात करेंगे तो 11% बहुत बड़ा वोट बैंक माना जाता है और ब्राह्मणों को वोट बैंक में सीट लगाई है बीजेपी ने। हालांकि कोई ऐसा बड़ा नेता स्थान बीजेपी के पास जो ब्राह्मण नेता माना जाए, जो ब्राह्मण चेहरा माना जाए, अब एक ब्राह्मण चेहरा इनके पास आया है, इनको क्या अहम भूमिका दी जाती है, क्या जिम्मेदारी दी जाती है, ये तो आने वाला वक्त रहेगा। हालांकि अगर हम बात करें 2022 के चुनाव के लिए तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीजेपी के पास आज बहुत अहम चेहरा आज जल कर रखती है। जी बिल्कुल मनीष जी, 2019 से कहीं ना कहीं अटकलें लगाई जा रही थी कि हो सकता है जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हो, तो क्या लगता है आपको कहीं ना कहीं ये तब से इन्होंने ये मन बना लिया था कि वो बीजेपी में शामिल होंगे? प्रीमियर ज्वाइन किया था मध्य प्रदेश में, तो एक ऐप लगाया जाता है कि सचिन पायलट और सचिन आ सकते हैं, काफी करीबी माने जाते थे ये चीजों राहुल गांधी के, और निश्चित तौर पर बात होती ऐसी होगी पर इस समय जो ये ज्वाइनिंग हुई है इसमें संगठन का भी बहुत अहम रोल माना जा रहा है। कहीं ना कहीं सुनील बंसल का भी नाम आ रहा है कि सुनील बंसल ने भी इसमें बहुत अहम भूमिका निभाई है। मनाना पड़ता है काफी तीन पीढ़ियां कांग्रेस में रही है, उसको फिर एकदम एक अलग अलग विचारधारा होती है, कांग्रेस की अलग विचारधारा है, बीजेपी की अलग विचारधारा है, उसमें कैसे मोटिवेट करते हैं, क्या क्या चीज क्या बातें भी होंगी, ये क्या चेहरा बहुत इसमें हालांकि एक अच्छा चेहरा मिला है बीजेपी को। बीजेपी ने जो गेम लगाई है कांग्रेस ने, इसकी भरपाई कांग्रेस कैसी करती है ये देखने लगा। आपको क्लियर की 2022 का चुनाव है तो अभी तो ये शुरुआत मार्च है, अभी सपा के पास क्या जाता है क्या आता है, कांग्रेस के पास क्या जाता है क्या आता है, सपा के पास क्या जाता है क्या आता है, और बीजेपी खुद उनके पास से कौन जाता है कौन आता है ये देखने वाली बात होगी। हालांकि जब ट्वीट किया गया था कि अब कुछ देर बाद बड़ा चेहरा आएगा तो प्रयास लगाया जाते हैं, हमने भी उसको बताया था कि किसी प्रकार हो सकते हैं कि ब्राह्मण से या फिर किसी पिछली जाति को नाम आ गया था, पर किसी प्रकार से मोहर लगी है देखने लगा होगा कि 2022 की जो शुरुआत हुई है एक दूसरे खेल अभियान की इसका आगाज तो बहुत बड़ा हुआ है। मनीष जी एक सवाल और कि जिस तरीके से 23 नेताओं ने ये पत्र पर ये साइन करके भी बताया था कि जो कार्यशैली है कांग्रेस की उसमें बदलाव होना चाहिए, तो क्या लगता है ये एक वजह रही होगी, क्या नाराज दिखे थे नेता? कांग्रेस की जबी को बैठक छोटी थी तो जितनी के साथ ये अपनी बातें बनी थी उस बार बाहर आके कुछ गाँव से बात कर रहे थे हम लोग उससे बात करते तो बताया चलता था कि अंदर टेबल में कुछ शुरुआत थी कि शायद कुछ और चाहते थे भूषा ने इतना जो आपने आपने बात रखे थे वो भी शायद नहीं सुनी जाएगी। आज उन्होंने कहा कि जहाँ पे इस पार्टी में आप सम्मान ना हो, अपने कार्यकर्ताओं की बात ना सुनी जाए तो वहाँ पे नहीं रहना चाहिए। तीसरे जो भी है अपनी धन्यवाद कर सकते हैं, दो महीने से आप जा सकते हैं कि वो अभी कांग्रेस में थे, तीन सीनियर थे, उससे ज्यादा भी कांग्रेस में थे, उनके पिताजी भी कांग्रेस में रहती है, वो खुद कैबिनेट में रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं कांग्रेस के थे, और ऐसे में एक अलग विचारधारा में आना जिसको आप हमेशा से अपोज करते हैं आपको उस विचारधारा में आते कहीं ना कहीं अंदर दिन में कोई बड़ी बात रही होगी, नाराज तो नहीं होगी। आरा कमान से राजी नहीं मिली कि पहले भी बोला गया था जब सिंजा ने ज्वाइन किया था तब भी कहते गए थे कि शायद प्रियंका गांधी राहुल गांधी के पास नहीं पहुँच पाती थी, जबकि वो कोर टीम के माने थे, जब नहीं उनकी बात नहीं सुनी जाएगी तो आम ग्रास लेवल के क्या कहता था उनकी बात नहीं करेंगे। आज वही बात सामने आई कि आप जब अपने कार्यकर्ताओं पर आप सम्मान को नहीं लगा सकते हैं, हम बातें नहीं सुन सकते, उनकी बात सुन नहीं सकते हैं, तो ऐसी पार्टी का क्या बातें उसमें स्पष्ट पता नहीं है, तो इसी बात आज
प्रसाद ने बीजेपी राहुल सामने है, देखना होगा कि कांग्रेस इसका काउंटर पार्ट कैसे करती है। उम्मीद करेंगे कि के द्वारा या किसी एक प्रोसेस काउंटर रखे कांग्रेस। पर अगर अभी की बात करेंगे तो बीजेपी की इंस्टीट्यूशन में एक बहुत बड़ा चेहरा मिला है, क्या पत्नी इसका क्या जिम्मेदारी उनकी आगे रखिए जी। मनीष एक सवाल और कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के भी कुछ महीने बचे और ऐसे में जितिन प्रसाद का कांग्रेस का दामन छोड़ के बीजेपी में शामिल होने आ गए, तो क्या लगता है आपको बीजेपी में किस तरह का इसको फायदा मिलने वाला है? 2022 के चुनाव में नितिन प्रसाद को कैसे कौन से पक्ष या कौन से जिम्मेदारी देती है बीजेपी, ये भी देखने वाला बात होगी। हालांकि ट्वीट को अगर ट्वीट में भी हमने देखे थे जो कमल सकते हैं देखा कि हम भी कई बात है बीजेपी की बात है, बीजेपी के जो आम कार्यकर्ता थे जो ट्वीट से कमेंट करते उन्होंने भी एक प्रश्न उठाया था कि आप अपने ही नेताओं का चिन्हित करवाते हैं, क्यों आप कैसे जरूरत पड़े कि बाहर से कोई नेता लाना पड़े। अंदर के लिए कभी भी कोई भी अगर राष्ट्रीय पार्टी की कोई पार्टियां होती है अगर उसमें कोई बाहर से कोई नेता आता है उसको टाइम से राय दी जाती है, फिर उसको टिकट से उसकी भूमिका निभाई जाती है। तो यकीन मानिए अंदर के लिए शुरुआत होती है जिसके लिए बहुत पहले से चले आएंगे। अब जो ग्राहकों के बूट में भी कार्यकर्ताओं की बात करते हैं उनको कैसे बनाएंगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े बड़े नेता आते हैं बीजेपी के, उनके साथ कैसे कमल में रहे, ये बहुत बड़ा एक प्रश्न रहेगा बीजेपी का। ये सब चीजें भी देखनी होगी, मात्र ज्वाइनिंग के लिए होता है, ज्वाइनिंग बाद क्या जिम्मेदारी दी होगी, कैसे समन्वय बैठाएंगे जो पहले के आपके नेता है और नितिन प्रसाद में, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न रहेगा बीजेपी का। लेकिन एक बड़ा सवाल ये कि क्या लगता है आपको कि आखिर इसके पीछे की क्या बड़ी वजह रही होगी कि जितिन प्रसाद कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं, क्योंकि एक रही है कि कई लगातार कई ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। पूरी इंटरनल बातें कोई भी रहता है सबके पास आपका ये रहेगा बयान से लेकर सबके रहना है आप सम्मान मिलता और रात में जाती थी वही चीज दोहराई है नितिन प्रसाद ने कि वहाँ पे आप सम्मान इतना बात थी अपने कार्यकर्ताओं से लिखी जाती थी कार्यकर्ताओं से ही नेता बनता है तो कार्यकर्ताओं की बात नहीं रहेगी और वो नेता बताओ नेता अगर उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की राजनीति बड़ा चेहरा माने जाते थे वो अपनी कोई बात अच्छे होंगे नहीं मानी गएगी और उनको लगा होगा कि अभी सही समय है पार्टी बदलने का विचारधारा बदलने का, तो आज उन्होंने ये कदम उठाया है। हालांकि इसकी प्लानिंग बहुत पहले से चल रही है कि संगठन के तौर पर सरकार के तौर पर कर्नाटकन और उत्तर प्रदेश का जो बीजेपी संगठन है वो और जो केंद्रीय नेतृत्व है बीजेपी का उसमें भी एक पहले से बात की होगी इसके नाम पर मोहर लगेगी। आज हमने देखा कि आज जो पंचायत से लिए गए हैं पीयूष गोयल जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके नेतृत्व में नितिन प्रसाद ने बीजेपी का दामन थामा है और देखना होगा कि 2022 का चुनाव निश्चित चुनाव गया 2022 का चुनाव बहुत ही ज्यादा रोचक होने वाला है। आगाज तो जितने बड़े चेहरे से हुआ है तो अंजाम तक क्या होगा ये नजर हम लोग बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बड़ी खबर है ये जितिन प्रसाद कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और आपको बता दें कि इससे कांग्रेस को एक भारी नुकसान पहुंचा है। हालांकि देखने वाली बात होगी विधानसभा चुनाव भी नजदीक आ चुके हैं और ऐसे में जितिन प्रसाद कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आपका ही मजा आएगा, देखते रहिए प्राइम टीवी।